हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राग पहचानने के नियम। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि आपको स्वर समूह दे दिया जाता है और आपको पहचानना होता है कि ये राग कौन सा है, तो ये जो क्वेश्चन है, आप अगर म्यूज़िक का एग्ज़ाम दे रहे हो 9, 10, +1, +2 या फिर कॉलेज एग्ज़ाम या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, नेट, एसटेट, कोई भी टेट, तब कोई भी NVS, KVS, कोई भी एग्ज़ाम पेपर आप उठाकर देख सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन 100%, नो डाउट 100% आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलता है कि आपको स्वर समूह दे दिया जाता है और आपको पहचानना होता है कि ये राग कौन सा है। और सबसे ज़्यादा डाउट सबका यही रहता है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम राग को पहचान सकें। एक बात तो कंफर्म है कि हम रट नहीं सकते रागों को। रागों को अगर हम प्रैक्टिकली सीखते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारे को ध्यान में होता है कि इस राग में कौन सा स्वर समूह है जो बार बार प्रयोग हो रहा है, तो वो इजीली रहता है। पर पॉसिबल नहीं है कि हम इतने सारे रागों को सीख सके, तो एटलीस्ट जब हम रागों का परिचय पढ़ते हैं तो उनको बार बार रिवाइज करें, उनको बिल्कुल अच्छे से पढ़े कि इस राग में कौन सा स्वर लग रहा है कौन सा नहीं, तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपके सामने क्वेश्चन होगा। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है कि हम भी ये ट्रिक लगा दें और ये क्वेश्चन हम पहचान जाए कि राग कौन सा है। सिर्फ कुछ नियम हैं। अगर आप रागों का परिचय जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं, समझ करके पढ़ते हैं, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राग पहचानने में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या है कि हमें स्वर समूह दिया होता है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि राग में जो स्वर प्रयोग हो रहे हैं उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। राग में सबसे पहले हमें स्वर पता होने चाहिए कि स्वर का टॉपिक हमें कम्प्लीटली अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद हमें राग में जो स्वर लग रहे हैं उसके बारे में कम्प्लीटली पता होना चाहिए कि इस राग में कौन सा स्वर वर्जित है, कौन से स्वर लग रहे हैं और किस तरीके से इन स्वरों का प्रयोग किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है राग के विकृत स्वरों का ज्ञान होना। राग में विकृत स्वर, विकृत स्वर आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक आपका कोमल स्वर, दूसरा है आपका तीव्र स्वर। तो हमें पता होना चाहिए कि जो राग में विकृत स्वर है, कोमल स्वर है या वो तीव्र स्वर है, तो कहाँ पे लग रहा है और क्या सारे शुद्ध स्वरों का प्रयोग हो रहा है या फिर तीव्र स्वर लग रहा है या फिर कोमल स्वर लग रहा है। तो हमें इसकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि स्वर की कौन सा स्वर प्रयोग हो रहा है। थर्ड पॉइंट है राग के वर्जित स्वरों का ज्ञान होना। हमें पता होना चाहिए कि राग में कौन कौन सा स्वर वर्जित है ताकि हम उस स्वर समूह में से पहले देख सकें कि जिस राग में अगर कोई स्वर वर्जित है तो वो उन स्वर समूह में प्रयोग नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है राग के मुख्य स्वर का ज्ञान होना। मुख्य स्वर मतलब राग में जो स्वर बार बार प्रयोग किया जा रहा है, तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। राग के पूर्वांग व उत्तरांग का ज्ञान होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि राग पूर्वांग में गाया जाएगा या फिर उत्तरांग में गाया जाएगा। राग के वाद्य संवाद्य का ज्ञान होना चाहिए। जहाँ अगर आपको राग का वाद्य संवाद्य स्वर याद है तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि ये कौन सा राग है। क्योंकि देखो राग में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा वाद्य स्वर का प्रयोग किया जाता है, वाद्य के बाद बात करें तो संवाद्य स्वर का। वाद्य स्वर होता ही वही है जिसका राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर हम स्वर समूह में देखें कि जिस स्वर का बार बार प्रयोग हो रहा है और हमें किस उन रागों में से हमें पता है कि इस राग का ये वाद्य स्वर और ये स्वर बार बार प्रयोग हो रहा है, तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। राग की वक्रता का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। कुछ स्वर वर्जित होते हैं तो उन स्वर का मतलब वक्रता से प्रयोग किया जाता है, और कुछ स्वर ऐसे भी होते हैं जो वर्जित होने के बावजूद भी राग में प्रयोग किए जाते हैं, वो विवादित स्वर के नाते प्रयोग किए जाते हैं। यही हम बात करते हैं राग विहाग की। तो राग विहाग में क्या है, जो म स्वर है वो विवाद म तीव्र स्वर, ये विवादित स्वर के नाते प्रयोग किया जाता है, जबकि म तीव्र स्वर राग में प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जो राग विहाग है वो बिलावल थाट से उत्पन्न राग है, लेकिन फिर भी मतलब म तीव्र का प्रयोग किया जा रहा है और विवादित स्वर के नाते उस स्वर का प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से राग भी हैं जो वर्जित होने के बाद भी प्रयोग होते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से हमें जब परिचय हम इसका पढ़ते हैं तो बिल्कुल हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। थैंक यू।